नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे उस इम्पॉर्टेंट शेयर के बारे में जिसमें आपको अभी खरीदारी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अभी मार्केट का जो डायरेक्शन है उसमें बहुत ही कंफ्यूजन है। किसी दिन मार्केट अप जाता है, किसी दिन डाउन, तो हमें एक सस्पेंस बना हुआ है मार्केट हमारा जो आगे की दिशा में जाएगा या नीचे जाएगा मार्केट। तो ऐसे में आपको कौन से शेयर को अभी अवॉइड करना चाहिए, वैसे शेयर जिसके सर्विसेज पूरी तरह से अभी बंद है और जिसके आगे भी उम्मीद नहीं है कि वो सर्विसेज जल्द चालू होने वाले हैं, तो ऐसे शेयर आपको पूरी तरह से अवॉइड करनी चाहिए। तो ऐसे ही हम आज इस वीडियो में चार शेयर बताएंगे जिसमें आपको पूरी तरह से दूर रहना चाहिए, मतलब उसमें पूरी तरह से इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो इस चारों शेयर के बारे में हम जानेंगे और उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि आपको कब उसमें बाइंग करनी चाहिए, किस प्राइस लेवल पर आपको उसमें इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करनी चाहिए और कब करनी चाहिए। तो वीडियो को शुरू करने से पहले बता दें हमारे चैनल पर स्टॉक मार्केट से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो हैं जिसे देख करके आप स्टॉक मार्केट सीख सकते हैं। तो चैनल पर जाइए, इन सारे वीडियोज़ को देखिए और स्टॉक मार्केट में और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना सीखिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल के बेल आइकन को दबा दीजिएगा। तो चलिए, हम पहला जो शेयर है वो है PVR लिमिटेड। दोस्तों, PVR जो अभी मूवी है, सिनेमा है, वो कोई देखने नहीं जा सकता, क्योंकि आप जानते हैं कि जो हमारा भीड़ है वो भीड़ जमा नहीं हो सकता, क्योंकि भीड़ के जमा होने से जो कोरोना वायरस है वो बहुत ही तेज़ी फैलेगा। तो इसलिए हम आपको कहेंगे कि अभी आपको पूरी तरह से अवॉइड करना चाहिए इन शेयर को, PVR लिमिटेड को, और इसमें आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट अभी आपको नहीं करनी चाहिए। आप देख सकते हैं PVR लिमिटेड जो इसका 52 वीक हाई है वो है 2125, और अभी आप देख सकते हैं कि ये 858 रुपीज़ पे मात्र मिल रहा है, और वो भी आज ही ये 53 रुपीज़ का मूवमेंट दिखाया है, तो नहीं तो सिर्फ ये 800 पर आपको मिल रहा है। तो आपको इसमें बार बार तेज़ी देखने मिलेगा, जो कि ऑपरेटर्स का एक गेम है। ऑपरेटर्स इसे बार बार ऊपर ले जाता है फिर नीचे लाता है, तो आपको इसमें अभी नहीं फंसना चाहिए, क्योंकि अभी आप जो देख रहे हैं जो लॉकडाउन का सिचुएशन है और अभी कोरोना वायरस है वो बढ़ करके 6000 पर डे हो चुका है। तो ऐसे में जब तक हमारा कोरोना वायरस का कोई वैक्सीन नहीं आ जाता, मतलब जब तक हम एकदम कंफर्म नहीं हो जाते कि हम बीमार पड़ते हैं तो ठीक हो जाएंगे, वैसे में आपको PVR में जो है इन्वेस्ट नहीं करनी चाहिए, कि जब तक हमें वैक्सीन नहीं आ जाती है तब तक भीड़ कहीं भी जमा नहीं हो सकती। जैसे वैक्सीन आ जाती है, मतलब कोई भी मतलब एंटीडॉट भी आ जाता है कि हम उसको लेंगे तो ठीक हो जाएंगे, तब जाकर के गैदरिंग अलाउ हो सकता है। तो अभी आप समझ सकते हैं कि वैसा कोई भी चांस नहीं है, क्योंकि कोई मेडिसिन ही नहीं है हमारे पास कोरोना वायरस से बचने के लिए, तो ऐसे में भीड़ कहीं जमा होने के लिए नहीं दिया जाएगा। तो ऐसे जो बिजनेसेस हैं जिसमें भीड़ जमा हो वो अभी चालू नहीं हो सकता, तो इसलिए आप इसमें इन्वेस्ट अभी ना करें, क्योंकि अभी इसमें और बहुत सारे करेक्शन आने बाकी हैं, क्योंकि अभी 2-3 महीने जो है वो सिचुएशन जो है भीड़ जमा होने वाली नहीं है, उसके बाद फिर डिसाइड करेगा आदमी भी, इससे परहेज करेंगे आदमी भी, जो है एक जगह जमा होना नहीं चाहेंगे आदमी भी, एक दूसरे से दूर रहने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उसे कोरोना वायरस का डर होगा। तो ऐसे में आपको इसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो आपको देख सकते हैं ये अभी जो है, देखते हैं कि जो 2016 में इसका प्राइस था 853, तो उससे भी ये नीचे आ चुका है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि ये जो आपको 5 साल का जो प्राइस था पीछे का, वहाँ पे आपको ये प्राइस पे मिल रहा है, लेकिन इसमें अभी और करेक्शन आ सकता है। तो आप इसमें और अभी करेक्शन का वेट करें, जब तक आप श्योर नहीं हो जाते हैं कि हम कोरोना वायरस से लड़ने में सक्षम हो चुके हैं, हमारे पास मेडिसिन आ चुकी है, एंटीडॉट आ चुकी है, वैक्सीन आ चुकी है, तब तक हमारा जो एक जगह आदमी का गैदरिंग है वो अलाउड नहीं होगा। तो जैसे ये आप कंफर्म हो जाएगा कि हमारा जो वैक्सीन है आ चुका है, तो वैसे में हमारा जो स्टॉक है उसमें मूवमेंट आना शुरू होगा। तो जैसे आपको भी ये कंफर्मेशन मिल जाता है कि एंटीडॉट या तो मेडिसिन या तो वैक्सीन इसका उपलब्ध है, हम जिससे कोरोना वायरस से ठीक हो सकते हैं, वैसे ही आप इसमें इन्वेस्ट करने की शुरुआत कर सकते हैं, और उससे पहले इसे अवॉइड करें पूरी तरह से। और अभी देख सकते हैं, या ये स्टॉक आपको अगर 500 या उससे नीचे मिलने लगता है तो आप तब आप इसमें SIP में इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे आपको 10,000 है तो आप 2,000 का SIP मोड बना सकते हैं, और जैसे जैसे नीचे आता है तो आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस तरह से आपको हर एक प्राइस पर आप इसमें इन्वेस्ट करने में सक्षम होंगे, जिससे आपको एक जो है अच्छा प्राइस, मतलब एवरेज कर करके एक अच्छा प्राइस मिल जाएगा, तो जिससे आप इसमें जो है अपना अच्छे मतलब SIP मोड में अच्छे कहे मतलब प्लानिंग से आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं।
दूसरा भी है इसी सेक्टर से, वो है आइनॉक्स। दोस्तों आइनॉक्स भी बहुत ही अच्छा कंपनी है और आपको इसमें भी वही सारे फार्मूला सारे अप्लाई करना है कि इसमें भी जैसे इसमें बहुत ज़्यादा करेक्शन आपको अभी देखने मिल रहा है। देखते हैं 511 रुपीज़ इसका 52 वीक हाई है, मतलब कि ऑल टाइम हाई प्राइस है। इसमें भी आपको देखते हैं बहुत ही ज़्यादा करेक्शन 60-70% का करेक्शन आपको देखने मिल रहा है। फिर भी आपको अभी इसमें इन्वेस्ट नहीं करना, आपको और करेक्शन का वेट करना है और समय का वेट करना है। जैसा कि पीवीआर में हमने कहा, क्योंकि दोनों सेम है, भीड़ अभी जमा नहीं हो सकती जब तक हमें एंटीडॉट या वैक्सीन नहीं मिल जाती। तो आपको इसमें भी इन्वेस्टमेंट की शुरुआत तभी करना है जब आप इसमें देखते हैं कि ये जो हमारा है बहुत ही लो प्राइस पे आपको मिल रहा है, मतलब जैसे 150 से नीचे आता है, तो आप इसमें SIP मोड में इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर सकते हैं। उसके बाद हमारा तीसरा है इंटर ग्लोबल एविएशन लिमिटेड। दोस्तों एविएशन सेक्टर ये तो पूरी तरह से अभी समझिए कि जब तक हमें वैक्सीन या एंटीडॉट नहीं मिलता है तब तक हम इंटरनेशनल टूरिज्म या डोमेस्टिक टूरिज्म सेक्टर को स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जैसे हम इसमें जाते हैं तो इसमें भी गैदरिंग होगा, भीड़ होगा। तो इसलिए जो इंटर ग्लोबल एविएशन सेक्टर है इसका जो स्टॉक्स है अभी आप देखते हैं 910, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन कंपनी जो है उसे ये एक्वायर करने जा रही थी, इसी कारण इसमें आपको बीच में तेज़ी देखने मिला था, या कहें कि इसमें ऑपरेटर्स उसका लाभ उठा रहा था उस न्यूज़ का, जिसके कारण इसमें आपको मोमेंटम बीच में देखने मिला था। लेकिन आपको इन सारे स्टॉक्स में अभी नहीं फंसना है, क्योंकि इसका जो है अभी जून तक पूरी तरह से सर्विसेज बंद है, उसके बाद भी स्टार्ट होगा या नहीं होगा ये नहीं कहा जा सकता। जो दुनिया के सारे देश हैं वो सब के सब अपना सेल्फ डिपेंडेंट बनने की कोशिश कर रहा है कि हमारा सारा जो ज़रूरत है अपने ही देश में पूर्ति हो जाए, ताकि हम दूसरे पर डिपेंड ना करें और हम इंटरनेशनल फ्लाइट को अभी चालू ना करें, जिससे कि हमारा कोरोना वायरस का जो कैरियर है, मतलब जिसको कोरोना वायरस है वो एक जगह से दूसरे जगह जा सके और फिर से एक जगह से दूसरे जगह कोरोना वायरस फैले। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि जब तक फ्लाइट नहीं चालू होगा, जब तक सर्विसेज चालू नहीं होगा, तो इन कंपनियों में कोई बेनिफिट नहीं हो सकता, इन कंपनियों का मतलब कोई भी रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा, तो वैसे में इन्वेस्टर को रिटर्न नहीं मिल सकता। तो इसलिए आप इन सारे स्टॉक्स अभी दूर रहें। अभी देख सकते हैं ये स्टॉक्स कभी हुआ करता था 1898 रुपीज़ का, और अभी इसका है करंट प्राइस 910 रुपीज़ का, मतलब आपको हाफ प्राइस से भी नीचे मिल रहा है, हाफ प्राइस से भी नीचे मिल रहा है। लेकिन अभी आपको इसमें वेट करना चाहिए, क्योंकि जो हमारे स्टॉक मार्केट के सबसे बड़े जो माने जाते हैं वॉरेन बफेट जी, वो भी अपना एविएशन सेक्टर सारे स्टॉक बेच चुके हैं, मतलब ये इस सेक्टर में आगे बहुत दिनों तक कोई भी मोमेंटम देखने आपको नहीं मिल सकता है। उसके बाद चौथा जो शेयर है वो है स्पाइस जेट। दोस्तों स्पाइस जेट ऐसे भी आप जब इसका मैक्सिमम ईयर का चार्ट देखेंगे, देखते हैं लगातार ये नीचे डाउन ट्रेंड में रहा है। जब से ये स्टॉक आया है ये लगातार अपना नया लो बनाते जा रहा है, क्योंकि ये कर्ज के बोझ तले दबा हुआ कंपनी है। तो इस कंपनी में भी आपको अभी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये कंपनी भी बहुत ही ज़्यादा डेब्ट में है और इसका सर्विसेज भी चालू नहीं है। तो हो सकता है ये कंपनियाँ अपने आप को बैंकक्रप्ट भी घोषित कर सके। तो इस तरह से अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो आप इसमें फंस सकते हैं। तो ऐसे कंपनियों से आप पूरी तरह से दूर रहें, इसे अवॉइड करें जिसके सर्विसेज पूरी तरह से अभी चालू नहीं है। वैसे कंपनियों में इन्वेस्ट करें जिसका जो है लॉकडाउन की स्थिति में भी कुछ ना कुछ सर्विसेज चालू हो, मतलब कुछ ना कुछ उसका रेवेन्यू जनरेट हो रहा हो, तो वैसे कंपनियों में ही आप इन्वेस्ट करने की कोशिश करें। जैसे आपको FMCG सेक्टर का हो गया, IT सेक्टर का हो गया, और अभी आप जो देख रहे हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर, उसमें जो अभी तक है जब से लॉकडाउन लगा है जीरो सेल्स है, और अगर आगे भी 2-3 महीने जीरो सेल्स रहता है तो आप समझ सकते हैं उस कंपनियों के स्टॉक में आपको भारी गिरावट देखने मिल सकती है। फाइनेंस सेक्टर हो गया, उसमें भी गिरावट देखने मिल रहा है, बैंकिंग सेक्टर उसमें भी गिरावट देखने मिल रहा है। तो इन सारे स्टॉक्स जो कि बैंकिंग फाइनेंस से हो, ऑटोमोबाइल सेक्टर से हो, और आप जो देख रहे हैं कि जिस सेक्टर में कोई भी काम नहीं चल रहा है, जैसे हमारा रियल्टी सेक्टर, कंस्ट्रक्शन सेक्टर, इन सभी सेक्टर के स्टॉक्स को अवॉइड करें, क्योंकि उसमें जब तक आपको ये सिक्योरिटी नहीं आ जाता है कि एंटीडॉट हमारा बन गया, वैक्सीन बन गया, या मेडिसिन वैसे आ गए जो कि कोरोना वायरस ठीक हो सकता है, या लॉकडाउन हमारा खत्म हो सकता है अब, तब तक आप उसमें इन्वेस्ट ना करें। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपके आगे के प्लानिंग के लिए हेल्पफुल रहा होगा, कि आपको कब इन्वेस्ट करना चाहिए, किस सेक्टर के स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए, जिसका काम अभी भी थोड़ा बहुत चल रहा हो, जैसे FMCG सेक्टर, IT सेक्टर, तो उसमें आप इन्वेस्ट करने के लिए सोचें। तो दोस्तों अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो लाल बटन दिया है उसे दबा दीजिएगा, और बगल का जो बेल आइकन आएगा उसे भी दबा दीजिएगा,
और आपका जो हर एक लाइक है, हर एक जो शेयर है, हमें एक नई मोटिवेशन देता है आपके लिए अगले वीडियो को बनाने के लिए। इसलिए आप वीडियो को लाइक करना, शेयर करना नहीं भूलिएगा, और ये जो वीडियो है अपने सभी दोस्तों और परिवार वालों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।